वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं एप्रिलिया SXR 160 और सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 के बीच। यहां पर हम जानेंगे दोनों के बीच सिमिलैरिटीज और डिफरेंस, और साथ ही साथ जानेंगे कि कौन सी स्कूटी बेस्ट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करते हैं दोनों स्कूटी के बीच सिमिलैरिटीज की। अगर फ्यूल टाइप की बात की जाए तो दोनों पेट्रोल वर्जन में मिलेंगी। इमिशन टाइप दोनों का सेम है, BSVI। सिलेंडर दोनों में एक एक मिलेगा। इग्निशन की बात की जाए तो दोनों का CDI इग्निशन है। स्पार्क पर सिलेंडर की बात की जाए तो दोनों में एक मिलेगा। कूलिंग सिस्टम की बात की जाए तो दोनों ही एयर कूल्ड हैं। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो दोनों में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। ट्रांसमिशन टाइप की बात की जाए तो CVT मिलेगा। अब बात करें गियर शिफ्टिंग पैटर्न की तो दोनों में ऑटोमेटिक दिया गया है। फ्यूल डिलीवरी सिस्टम की बात की जाए तो दोनों में फ्यूल इंजेक्शन दिया गया है। अगर फ्रंट ब्रेक की बात की जाए तो दोनों में डिस्क मिलेगा। रियर ब्रेक दोनों का ड्रम दिया गया है। व्हील टाइप की बात की जाए तो दोनों में अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। फ्रंट व्हील साइज की बात की जाए तो दोनों का 12 इंच का है। अगर टायर टाइप की बात की जाए तो दोनों में ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। ओडोमीटर दोनों का डिजिटल है। DRL दोनों में दिया गया है। फ्रंट स्टोरेज बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। अब बात करें स्पीडोमीटर की तो दोनों में डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है। लो फ्यूल इंडिकेटर दोनों में मिलेगा। पिलियन सीट दोनों में मिलेगी। पिलियन फुटरेस्ट दोनों में मिलेगा। स्टार्ट टाइप की बात की जाए तो दोनों ही इलेक्ट्रिक स्टार्ट हैं। क्लॉक दोनों में दी गई है। हेडलाइट दोनों की LED दी गई है। ब्रेक और टेल लाइट दोनों में LED दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का सेम है, 160 mm। ये तो बात हो गई दोनों स्कूटी के बीच सिमिलैरिटीज यानी कि समानताओं की। अब बात करते हैं डिफरेंस की। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो एप्रिलिया SXR 160 का इंजन होगा 160.03 cc का, जबकि सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 का इंजन सीसी होगा 124 cc। एप्रिलिया की मैक्स पावर होगी 10.84 bhp 7100 rpm। मैक्स टॉर्क होगा 11.6 nm 6000 rpm। वहीं बर्गमैन की मैक्स पावर होगी 8.58 bhp 6750 rpm। मैक्स टॉर्क होगा 10 nm 5500 rpm। एप्रिलिया का फ्यूल टैंक होगा 7 लीटर का, जबकि बर्गमैन का होगा 5.5 लीटर का। रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी की बात की जाए तो एप्रिलिया में आपको 1.5 लीटर का रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी मिल जाएगी, जबकि बर्गमैन में 1.3 लीटर की मिलेगी। राइडिंग रेंज की बात की जाए तो एप्रिलिया की राइडिंग रेंज होगी 245 किलोमीटर, जबकि बर्गमैन की होगी 270 किलोमीटर। माइलेज की बात की जाए तो एप्रिलिया में आपको 30 से 35 तक का लगभग माइलेज मिल जाता है, जबकि बर्गमैन में आपको 40 से 45 तक का माइलेज मिल सकता है। एप्रिलिया की टॉप स्पीड होगी 100, जबकि बर्गमैन की होगी 95। ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो एप्रिलिया में सिंगल चैनल ABS दिया गया है, जबकि बर्गमैन में ABS नहीं है, ओनली CBS दिया गया है। क्लिपर टाइप की बात की जाए तो एप्रिलिया में डुअल पिस्टन दिया गया है, जबकि बर्गमैन में सिंगल पिस्टन दिया गया है। एप्रिलिया का फ्रंट टायर 12 नंबर का मिलेगा 70-120 के साथ, रियर टायर 12 नंबर का 70-120 के साथ, जबकि बर्गमैन का फ्रंट टायर 12 नंबर का मिलेगा 90-90 के साथ और रियर टायर होगा 10 नंबर का 100-90 के साथ। एप्रिलिया का फ्रंट टायर प्रेशर होगा 20 psi, रियर टायर प्रेशर होगा 26 psi, जबकि बर्गमैन का फ्रंट टायर प्रेशर होगा 22 psi, रियर टायर प्रेशर होगा 29 psi। बात करते हैं सस्पेंशन की। एप्रिलिया का फ्रंट सस्पेंशन होगा फ्रंट फॉक विद 30 mm इनर ट्यूब और रियर सस्पेंशन होगा एडजस्टेबल मोनोशॉक एब्जॉर्बर, जबकि बर्गमैन का फ्रंट सस्पेंशन होगा टेलीस्कोपिक और रियर सस्पेंशन होगा स्विंग आर्म। वेट की बात की जाए तो एप्रिलिया 129 kg की होगी, जबकि बर्गमैन 110 kg की। अब बात करें ओवरऑल लेंथ की तो एप्रिलिया की जो लेंथ है वो होगी 1960 mm, जबकि बर्गमैन की होगी 1880 mm। विड्थ होगी एप्रिलिया की 803 mm, जबकि सुजुकी बर्गमैन की होगी 715 mm। एप्रिलिया की हाइट होगी 1205 mm, बर्गमैन की होगी 1140 mm। एप्रिलिया का व्हील बेस होगा 1353 mm, जबकि बर्गमैन का होगा 1265 mm। एप्रिलिया की सीट हाइट होगी 775 mm, जबकि बर्गमैन की होगी 780 mm। बात करें चेसिस टाइप की तो एप्रिलिया में अंडरबोन चेसिस दी गई है, जबकि बर्गमैन में बोन टाइप दी गई है। बात करें स्टैंडर्ड वारंटी की तो एप्रिलिया में 5 साल की वारंटी मिल जाती है, बर्गमैन में 2 साल की वारंटी मिल जाती है। बात करें अंडर सीट स्टोरेज की तो एप्रिलिया में 20 लीटर का अंडर स्टोरेज मिल जाता है, जबकि बर्गमैन में 21.5 लीटर का अंडर स्टोरेज मिल जाता है।
बात करें दोनों के एडिशनल फीचर्स की, तो एप्रिलिया में मोड बटन मिल जाता है, जबकि बर्गमैन में शटर की मिल जाती है सेंट्रल सीट लॉक के साथ। बात करें दोनों में गुड थिंग्स की, तो एप्रिलिया में मैक्सी स्टाइलिंग बहुत एस्पिरेशनल लगती है, 160 सीसी का इंजन है, परफॉर्म अच्छी है, बहुत सारी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। वहीं बर्गमैन में 125 सीसी के इंजन के साथ अच्छी परफॉर्म मिल जाती है, बड़ा मैक्सी स्कूटर स्टाइल है, इसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। अब बात करें कि दोनों में बेहतर क्या हो सकता है, तो एप्रिलिया कीमत में बहुत ज़्यादा है जो कम होनी चाहिए, अच्छी सर्विस की कमी है, राइड क्वालिटी और बेहतर होनी चाहिए। वहीं बर्गमैन लॉन्ग राइड के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, रियर व्हील साइज बहुत छोटा कर दिया है, इसको बराबर रखना चाहिए था। बात करें अगर कलर्स की, तो एप्रिलिया 4 कलर में मिल जाती है, जबकि बर्गमैन 5 कलर में मिल जाती है। बात करें ओवरऑल रेटिंग की, तो एप्रिलिया की जो रेटिंग है वो 3.9 है, जबकि बर्गमैन की 4.4 है। बात करें दोनों के एक्स शोरूम प्राइस की, तो एप्रिलिया का एक्स शोरूम प्राइस होगा 1,55,000 रुपये लगभग, वहीं बर्गमैन का एक्स शोरूम प्राइस होगा 90,300 रुपये। तो ये था कंपैरिजन एप्रिलिया SXR 160 और सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 के बीच। यहाँ पर मैंने दोनों स्कूटी के बीच में जो सिमिलैरिटीज थी और डिफरेंस थे उनको आपके सामने साफ साफ रख दिया है, और दोनों में जो अच्छी बात थी वो भी आपके सामने रखी है, और दोनों में क्या बेहतर होना चाहिए वो भी आपके सामने रख दिया है। आप कमेंट करके बताएं दोनों स्कूटी में आपको कौन सी स्कूटी बेस्ट लगी, कौन सी स्कूटी के फीचर आपको ज्यादा अच्छे लगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और ट्रैफिक रूल्स को जरूर फॉलो करें।